नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। पीएम मोदी ने आधार जैसा प्रॉपर्टी कार्ड किया लॉन्च, कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के आधार पर उनके प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्ड भौतिक तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। योजना की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज जिन 1,00,000 लोगों को अपने घर का स्वामित्व पत्र मिला है, जिन्होंने अपना स्वामित्व कार्ड डाउनलोड किया है, उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज आपके पास एक अधिकार है, एक कानूनी दस्तावेज है कि आपका घर आपका ही है, आपका ही रहेगा। ये योजना हमारे देश के गांव में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी कागज सौंपे गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 3 से 4 सालों में देश के हर गांव में हर घर को इस तरह के प्रॉपर्टी कार्ड देने का प्रयास किया जाएगा। 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी नौकरियों के लिए खत्म किया इंटरव्यू। जी हां, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार सिंह ने कहा कि 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप बी यानी गैर राजपत्रित और ग्रुप सी के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार को समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक व्यापक कवायद की और 3 महीनों के भीतर 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा की प्रक्रिया पूरी कर ली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्य इस नियम को लागू करने के लिए तत्पर थे, लेकिन कुछ राज्य इसे समाप्त करने के अनिच्छुक थे और नौकरियों के लिए साक्षात्कार कराना चाहते थे। सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि राज्य सरकारों को काफ़ी समझाने और बार बार याद दिलाने के बाद आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार कराना बंद है। बिहार चुनाव में पीएम मोदी समेत 30 बीजेपी नेता करेंगे प्रचार, लिस्ट में तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने बिहार चुनाव में अपने 30 वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारने की योजना बनाई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और बिहार के बड़े भाजपा नेताओं के नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। बाकी भाजपा शासित अन्य किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों का नाम बिहार चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं रखा गया है। तो वहीं लिस्ट में एक और नाम न होना चौंकाता है। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद दक्षिण भारत के युवा नेता तेजस्वी सूर्या को भी बीजेपी बिहार दौरे पर लाई थी, लेकिन स्टार प्रचारकों में तेजस्वी सूर्या का नाम शामिल नहीं है। बीजेपी के तरफ से विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। इसमें कहा गया है कि बीजेपी के 30 वरिष्ठ बिहार में एनडीए उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। यूपी में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे, इन नियमों का पालन जरूरी। जी हां, कोविड-19 के चलते करीब 6 महीने से बंद चल रहे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों को खोलने की दिशा में सरकार ने पहल की है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के स्कूल 19 अक्टूबर से खुलेंगे। उनके अनुसार विद्यालय 2 पालियों में संचालित किए जाएंगे, जिसके तहत पहली पाली में कक्षा 9 और 10 तथा द्वितीय पाली में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई होगी। शर्मा ने बताया कि सुरक्षित दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करते हुए छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक माध्यमिक शिक्षा विभाग संभाल रहे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यह भी कहा है कि विद्यार्थियों को उनके माता पिता और अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही पठन पाठन के लिए बुलाया जाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य और स्वास्थ्य दोनों महत्वपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि 19 अक्टूबर से स्कूल खोले जाने के संदर्भ में अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में स्कूल खोलने से पूर्व स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दिया गया है, जो कि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुकेश अंबानी ने कहा, देश में 2000 शहरों में ऑप्टिकल फाइबर का जाल बिछाएगी जियो। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। इंटरनेट कनेक्टिविटी में भारत के वैश्विक नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने देश भर के 2000 से अधिक कस्बों और शहरों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का जाल बिछाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया और अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत को ऑप्टिकल इंटेलिजेंस के मामले में विश्व लीडर बनाने के लिए यह सही समय है और हमारे पास उपकरण भी है। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सरकार डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नियामक ढांचा पेश करेगी। सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला, आरए मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट हुआ रद्द, अब यहाँ बनेगा नया शेड। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने काफी समय से विवादों में चल रहे आरे मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए मेट्रो कारशेड बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। आरे मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलने की घोषणा करते हुए इसे यहाँ कांजूर मार्ग स्थानांतरित करने की बात कही है। ठाकरे ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना को कांजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि भूमि शून्य दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठाकरे ने कहा कि आरे जंगल के तहत आने वाली भूमि का इस्तेमाल दूसरे जन कार्यों के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जो कि बर्बाद नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने बताया था कि आरे वन भूमि 600 एकड़ की है, लेकिन अब इसमें संशोधन करके बताया जाता है कि यह 800 एकड़ की है। आरे वन में आदिवासियों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के गया में जनसभा कर जेपी नड्डा ने किया बीजेपी के प्रचार का आगाज, कहा पीएम मोदी ने बदली राजनीति की संस्कृति। जी हाँ, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के गया में चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि आने वाला भविष्य बिहार का है, पीएम मोदी ने चुनाव की संस्कृति बदल दी है, अब जाति के बजाय रिपोर्ट कार्ड के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन का स्वामित्व मिलने से किसानों का फायदा हुआ है, कोरोना के समय में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना कठिन है, पर हमने इसे पूरा करना है। नड्डा ने नाम लिए बगैर राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जो नेता जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद से जनता पार्टी के राजनेता बने, 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, वो आज कांग्रेस को गले लगाकर चल रहे हैं। प्रवासी कामगारों को शहरों में सस्ते किराए पर मिलेंगे मकान, सरकारी तेल कंपनियां करेंगी निर्माण। जी हाँ, तेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों से कहा है कि वे प्रवासी कामगारों को किराए पर देने के लिए 50,000 घरों का निर्माण करवाएं। कोरोना संक्रमण जैसी महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लाखों कामगारों के गांवों को पलायन कर जाने के बाद सरकार ने किफ़ायती किराए के आवास की योजना बनाई है। इसी योजना के तहत तेल मंत्रालय ने आवासों का निर्माण कराने को कहा है। इस संबंध में आयोजित बैठक में शामिल हुए 3 अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय ने अपने अधीन सरकारी तेल कंपनियों से अपनी ज़मीन पर घरों का निर्माण करने को कहा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन तेल मंत्रालय के अधीन काम करती है। अधिकारियों के मुताबिक तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी कंपनियों से घरों के निर्माण का प्लान लाने को कहा है।
अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के तटीय भागों में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार वर्षा होने की भी संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी तटीय ओडिशा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और एक दो स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आंतरिक ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों, दक्षिणी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र से सटे हुए दक्षिणी गुजरात में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों सहित पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय राज्यों और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क ही बना रहेगा। आज का मैडकुज क्वेश्चन आ चुका है, मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सकें अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ, अभी के लिए धन्यवाद।